11 अप्रैल को बीजेपी का हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ रैली है। बीजेपी कार्यकर्ता सचिवालय का घेराव करेंगे और रैली को सफल बनाने के लिए बीजेपी नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी रांची में डेरा डाले हुए हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष बीजेपी के आंदोलन पर चुटकी ले रही है। उधर प्रशासन भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रणनीति बना रही है। 11 अप्रैल को हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी सचिवालय का घेराव करेगी। आंदोलन को सफल बनाने के लिए बीजेपी के पदाधिकारी जी जान से जुटे हुए हैं। प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी रविवार को 3 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे। एयरपोर्ट पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, तो प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि राज्य में कई तरह की समस्याएं हैं, जैसे भ्रष्टाचार, महंगाई, महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर पार्टी जनता के बीच जाएगी। किसी भी एक सरकार, लोकतांत्रिक सरकार की खराबी इससे ज्यादा और क्या होंगी? भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महिलाओं के साथ घटनाओं का मुद्दा है, कौन सा ऐसा मुद्दा, महंगाई है, जो मुद्दा इस सरकार के कार्यकाल में नहीं है। और इससे निजात पाने का हल है एक ही, कि संवैधानिक तरीके से समय आने तक जनमत तैयार किया जाए और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके सरकार को पलटा जाए। सर, इस प्रोटेस्ट से मैसेज दे पाएंगे जनता को? क्यों नहीं दे पाएंगे, हम जनता को ये एहसास करा पाएंगे कि विकल्प हम हैं और हम आपके साथ खड़े हैं। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 3.5 साल बाद भी राज्य सरकार अपना चुनावी वादा पूरा नहीं कर पाई है। युवाओं को 5 लाख नौकरी नहीं मिली, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। यही सरकार ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, यही हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि 5 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे। मुख्यमंत्री जी बताएं कि 5 लाख तो क्या, 500 लोगों को भी आपने नौकरी दिया है क्या? कहा था नौकरी नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, क्या हुआ बेरोजगारी भत्ता का? उसके बाद कहा था अगर बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। आज झारखंड के नौजवान, बेरोजगार युवक, वो आज ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आपने रोजगार नहीं दिया, बेरोजगारी का आलम खड़ा किया, आपने नौकरी नहीं दिया, आपने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता भी नहीं देंगे। अब मुख्यमंत्री जी बताएं कि किस दिन, किस घंटे, किस समय में राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं? ये जनता की चाहत है इस सरकार से निजात पाने के लिए। जिस प्रकार से बहनों के साथ, किस प्रकार से उनके साथ बलात्कार की घटनाओं की बढ़ोतरी हुई, यार राजेश जी, पूरे देश में सबसे ज्यादा बलात्कार की घटना इस प्रदेश में हो रही है, सबसे ज्यादा इस देश में, इस प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा हत्या इसी प्रदेश में हो रही है, सबसे ज्यादा पलायन इसी में है, सबसे ज्यादा आज हम कह सकते हैं कुपोषण इस प्रदेश में, सबसे ज्यादा शिक्षा की हालत सबसे खराब है इस प्रदेश में, इसमें सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं कि हॉस्पिटल्स की जो परिस्थितियां हैं वो सबसे देश में सबसे खराब इस रांची और झारखंड। बीजेपी के हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ रैली पर सत्ता पक्ष ने भी पलटवार किया है। जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है, जनता ने 5 साल के लिए जनादेश दिया है। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी प्रदेश प्रभारी के बयान पर तंज कसा है। हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ, अरे जनादेश है, 5 साल का जनादेश है और 50 साल के लिए आशीर्वाद सुरक्षित है। ২০১৯ में यदि लोगों के पास ऑप्शन रहता तो 25 वर्षों के लिए एक साथ चुनकर भेज देती है हेमंत सरकार को। आखिर इतना पैसा आता कहां से है भारतीय जनता पार्टी के पास? झारखंड प्रभारी वाजपेयी जी का यह बयान कि महंगाई राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, यह कितनी हास्यपद है। ये भाजपा के लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, 12वीं के बाद इनके नेता 10वीं की परीक्षा देते हैं, तो उनके लोग इस तरह का ही बयान जारी करेंगे? मान्यवर, राज्य सरकार के ऊपर महंगाई की जिम्मेवारी नहीं, बल्कि महंगाई की जिम्मेवारी केंद्र सरकार के ऊपर होती है और आपके प्रधानमंत्री जी इसके लिए जिम्मेवार है।
कम से कम वाजपेयी जी को इतना तो समझ में आना ही चाहिए कि एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ करके निकला हुआ प्रोपगंडा, झूठ और फरेब का बयान कब तक आप दे करके लोगों को गुमराह करते रहेंगे। अब देश की जनता समझ चुकी है आपको, आपके किसी भी प्रपंच पे, छल पे, झूठ पे आप फंसने वाली नहीं है। तो कम से कम इस तरह का बयानबाजी बंद करें ताकि इससे आपका ही हास्यपद स्थिति स्वयं भारतीय जनता पार्टी की होती है। बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर ध्रुवा के प्रभात तारा मैदान में तैयारियां जोरों पर है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेटिंग भी की जा रही। रविवार को डीसी, एसएसपी समेत तमाम पदाधिकारियों ने प्रभात तारा मैदान का जायजा लिया। डीसी एसएसपी ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मैदान में उतरेंगे और यहीं से इसी रोड से सचिवालय का घेराव करेंगे, जिसे देखते हुए डीसी, एसएसपी और एसपी सहित कई अधिकारी भी यहां पे मौजूद थे और तमाम जो है वो देखने के लिए यहां पे आए हुए थे। और वहीं बैरिकेटिंग की पूरी तैयारी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो है बैरिकेटिंग की गई है ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो और यहां से वो क्रॉस ना कर सके। और इसी रोड से आपको बता दें कि जितने भी कार्यकर्ता है बीजेपी की, इसी रोड से वो घेराव करने के लिए सचिवालय की ओर बढ़ेंगे और प्रभात तारा मैदान में भारी संख्या में बीजेपी की जुटान होगी। अगले साल लोकसभा चुनाव है, लिहाजा बीजेपी सचिवालय घेराव के बहाने अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज कर रही है ताकि आने वाले समय में सरकार की गलत नीतियों के विरोध में जगह जगह आंदोलन कर सके। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से राजेश कुमार के साथ दीपक उराव और रानी गुप्ता की रिपोर्ट। और सीधे जुड़ेंगे, सहयोगी राजेश हमारे साथ मौजूद है। राजेश, हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ नारे के साथ बीजेपी हल्ला बोल रही है राज्य सरकार के खिलाफ और 11 अप्रैल को सचिवालय घेराव की तैयारी कर रही है। बीजेपी ने बड़ा कार्यक्रम तय किया है और 11 अप्रैल को पूरे प्रदेश से, जैसा कि नेताओं का है कि 32,000 गांव से और 1,00,000 से अधिक की संख्या होगी, सभी लोग प्रभात तारा मैदान, जिसे बीजेपी के लोग जगन्नाथ मैदान कहते हैं, वहाँ इकट्ठा होंगे। वहाँ पर बड़ी व्यवस्था हो रही है, वहाँ पर खाने पीने का इंतजाम है, वहाँ से फिर सचिवालय घेराव का कार्यक्रम शुरू होगा। तो आप पूरे प्रदेश से जो लोग आएंगे उन्हें अलग अलग, जो यहाँ पर राज्य स्तर का जो नेता है उन्हें अलग अलग दायित्व मिला है। मेरे क्षेत्र को आने वाले लोगों को कहाँ ठहराया जाएगा, कहाँ रखा जाना है, ये धर्मशाला हो, गेस्ट हाउस हो, इन तमाम जगहों की व्यवस्था की गई है और की जा रही है। और एक बड़ा कार्यक्रम है, एक संदेश देने का प्रयास होगा कि राज्य में वर्तमान जो सरकार है वह ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है। राज्य की जनता ने जिस उम्मीद के साथ इसे गति पर बिठाया था वो पूरा नहीं हो रहा है। और आप देखें कि जैसे नियोजन नीति जैसी महत्वपूर्ण संवेदनशील जो नीति है उस पर भी सरकार अभी तक कुछ क्लियर नहीं कर पाई है। तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष है के नाते बीजेपी इस आंदोलन को और मुखर करना चाहती है, युवाओं की आवाज बनना चाहती है। और राज्य में जो पिछले दिनों कई ऐसी चीजें हुई है, जैसे अवैध उत्खनन का मामला हो या फिर महिलाओं के साथ अत्याचार का मामला हो या अन्य विभिन्न व्यवस्था संबंधी समस्या है या फिर घोटाले के जो आरोप लगे, इन तमाम चीजों को लेकर बीजेपी एक हल्ला बोल कार्यक्रम कर रही है, जिसका नाम दिया गया है सचिवालय घेराव। सचिवालय घेराव का अर्थ यह हुआ कि सचिवालय पूरा राज्य में है, सचिवालय से ही चलता है, वहाँ मुख्यमंत्री रहते हैं, मंत्री रहते हैं, तमाम सेक्रेटरी रहते हैं, इसलिए सचिवालय घेराव का यह कार्यक्रम रखा गया है। प्रभात तारा मैदान से ये जत्था जो है कूच करेगा, 11:30 बजे के आसपास यह घेराव के लिए आगे बढ़ेगा। जाहिर सी बात है कि प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, बैरिकेडिंग की जा रही है, यह कहीं से भी नहीं लग रहा कि लोगों को, यानी बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता समर्थकों को सचिवालय तक पहुँचने दिया जाएगा, उन्हें पहले ही रोक दिया जाएगा चूँकि बैरिकेडिंग की जा रही है। अब ये स्थिति क्या बनती है वहाँ पे,
थोड़ा वहाँ पर झंझट नोक झोंक की स्थिति बन सकती है। आप देखें कि जब भी इस तरह का होता है, आपने देखा है कि पिछले महीने विधानसभा का घेराव का कार्यक्रम छात्रों ने रखा था तो लाठीचार्ज हुए थे, तो इस तरह की चीजें हो सकती है। इससे पहले भी बीजेपी ने विधानसभा का घेराव कार्यक्रम किया था तो उसमें भी लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, कुछ लोग घायल भी हुए थे। तो आंदोलन का यह स्वरूप है और इसमें बड़ी तैयारी की गई है। आप देखिए कि जो प्रदेश स्तर के प्रमुख नेता हैं, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हों, दीपक प्रकाश हों, या फिर रघुवर दास हों, अर्जुन मुंडा हों, ये सभी लोग अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों को इस बात के लिए उत्साहित किए हैं कि वो 11 अप्रैल को रांची पहुंचे और सभी जगहों से रिप्रेजेंटेशन हो, इस तरीके के कार्यक्रम तय किए गए हैं। लगभग 15 दिनों से यह कार्यक्रम, तैयारी का कार्यक्रम चल रहा है और बीजेपी के नेताओं की माने तो यह एक बड़ा कार्यक्रम होगा और बहुत सारे लोग आएंगे। वैसे विपक्ष यानी इनके विरोधी जो हैं, जो आज यहाँ सत्ता में है राज्य में, चाहे कांग्रेस की बात कर ले या जेएमएम की बात कर ले, वे लोग बेवजह इसे एक मान रहे हैं कि ये आंदोलन का कोई मुद्दा नहीं है और जो इन लोगों की ख्वाहिश है, जो मंसूबे से ये आंदोलन कर रहे हैं, ये कभी पूरा होने वाला नहीं है। राज्य की जनता ने 5 साल के लिए जनादेश दिया है और सरकार अच्छा काम कर रही है, ये सभी सत्तारूढ़ दल के लोगों का कहना है। तो खैर, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन बीजेपी ने एक बड़ा कार्यक्रम तय कर लिया है और इसे सफल बनाने के लिए पुरजोर कोशिश हो रही है। आप देखें कि प्रभारी भी पहुंच चुके हैं और इसके अलावा जो प्रमुख नेता हैं, सभी लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और कल से ही लोग पहुंचना शुरू कर देंगे, चाहे वो ट्रेन से हो, बस से हो, या फिर अन्य वाहनों से लोगों को लाने की व्यवस्था की गई है। सभी लोग अपने अपने क्षेत्र से बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्हें लेकर रांची पहुंचेंगे और प्रभात तारा मैदान में इकट्ठा होगा। वहां एकत्रीकरण के उपरांत फिर वहां से कूच किया जाएगा सचिवालय की ओर और जो भी कार्यक्रम हो, जहां तक वो लोग पहुंच पाए, प्रशासन जहां तक उन्हें जाने की इजाजत दे, ये तो उस दिन पता चलेगा। और क्या होता है, नोकझोंक होती है या फिर लोगों में लाठीचार्ज होता है या जो भी हो, वो तो उसी दिन पता चल पाएगा कि क्या है बीजेपी नेताओं के तेवर क्या है। लेकिन बातचीत से तो ये स्पष्ट लग रहा है कि एक बड़ा संदेश देने का प्रयास होगा इस आंदोलन के माध्यम से, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, फिर 2024 में ही विधानसभा का चुनाव है, तो इसे इस रूप में भी माना जा सकता है कि चुनावी एक रंग बनाने के लिए, एक माहौल बनाने के लिए यह कार्यक्रम हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश, तमाम जानकारियों के लिए। तो बीजेपी पूरी तैयारी में है, राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल चुकी है, सचिवालय का घेराव बीजेपी करेगी 11 अप्रैल को और इसकी तैयारी लगभग 15 दिन से चल रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।